अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरे साथ एक बात पेश आई, सोचा वो बात आप सभी के साथ शेयर करूँ। शाम का वक्त था, मैं बाजार चला गया कुछ लेने के लिए। देखा सारे दुकान बंद हो रहे थे, तो मैंने देखा एक बूढ़ी माँ रास्ते में कुछ बेच रही थी। मैं जब उनके करीब गया तो देखा उनकी आंखें नम थी, तो मैं उनसे कुछ चीज़ लेने के लिए गया। ख़रीदा मैंने उनसे चीज़ को, तो वो चीज़ देते देते रोने लगी और रोते रोते दुआ देने लगी, और ये भी कहा कि आज उन्हें कोई 200 का फटा हुआ नोट दे के चला गया। मेरे आप सब के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए 200 कोई बड़ी बात नहीं है, पर ऐसे बुजुर्ग, ऐसे बूढ़े, ऐसे गरीब लोगों के लिए 200 रुपये उनकी सारे दिन की कमाई होती है। शायद हो सकता है वो गरीब बूढ़ी माँ को नोट किसी ने अनजाने में दी होगी, पर आप सभी से गुजारिश है, जब भी आप ऐसे गरीब लोगों से कुछ भी खरीदें, अपने पैसे देख के दें ताकि उन्हें सही पैसे मिले। और जब भी आप ऐसे किसी से कुछ चीज़ खरीदते हैं गरीब लोगों से, उनसे ज़्यादा मोल भाव मत कीजिए, बार्गेनिंग मत कीजिए, क्योंकि वो लोग अमीर होने के लिए काम नहीं करते, वो लोग अपने घर वालों का पेट पालने के लिए काम करते हैं। और आखिरी बार आप सभी से कुछ गुजारिश करता हूँ, जब भी आप बाजार जाएँ ऐसे गरीब बुजुर्ग लोगों से कुछ ना कुछ खरीद लीजिए, क्योंकि वो इस उम्र में भी मेहनत करके अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे गरीब लोगों की मदद हो सके, और मुझे शुक्रिया का मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम।